आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सन 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी प्राइमरी में, और उसके बाद 4 साल का लंबा समय बीता लेकिन अभी तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। हालांकि बीच बीच में कई बार इस बात की सुगबुगाहट देखने को मिली कि नई शिक्षक भर्ती का खाका जो है वो खींचा जा रहा है, और इस पर लेकर अब तक अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो लाखों वीडियोज आपको मिल भी जाएंगे। हर वीडियोज पर आपको हज़ारों लाखों में व्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अंततः जब शिक्षक भर्ती आने का समय हुआ, यानी कि 2022 में जब ये लगने लगा कि अब 51,000 या उसके आसपास पदों पर सरकार शिक्षक भर्ती प्राइमरी में कर सकती है, और अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी उसमें भी ये संकेत मिले थे कि अगस्त या सितंबर माह में 51,000 के आसपास प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, तो अब एक बड़ी बाधा जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वो ये है कि राजस्थान के तर्ज पर आप जानते ही हैं कि यूपी में बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई, उस याचिका में ये प्रे किया गया कि जिस प्रकार से राजस्थान में बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया तो यूपी में भी बाहर किया जाना चाहिए, और इस मैटर पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सबसे पहले तो बीएड के लिए जो सर्टिफिकेट थे उसको जारी करने पर रोक लगा दी, यानी कि यूपी टेट का जो सर्टिफिकेट अभी हाल ही में रिलीज होना था उस पर भी रोक लग गई है, और इसी के साथ साथ अब इस पर सुनवाई भी चल रही है। कल 16 तारीख थी, 16 मई जब इसकी सुनवाई होनी थी लेकिन कल सुनवाई नहीं हो पाई है, और आज इस केस पर दोबारा से सुनवाई हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये बीएड का जो मैटर है जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक शिक्षक भर्ती पर भी एक तरीके से रोक लग गई है, और रोक तो नहीं लगी है लेकिन बीएड वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जब तक बीएड का मैटर क्लियर ना हो जाए तब तक नई कोई भी भर्ती आए, यानी कि एक तरीके से जो मामला कोर्ट में पहुंचा है उससे आने वाली शिक्षक भर्ती पर भी एक प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। तो हालांकि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए कोई रोक कोर्ट की ओर से नहीं है, अगर सरकार चाहे तो आज की डेट में वो एक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन ऐसा होना संभव इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जब तक बीएड और डीएलएड आमने सामने खड़े हैं तब तक नई शिक्षक भर्ती आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अपने आप एक बड़ी बाधा बन जाती है ऐसी चीज़ें जब दो वर्ग में विद्यार्थी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर कल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो कल मैंने शाम को अपडेट दे दिया था कि ये जो बीएड और यूपी टीएट और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो कोर्ट में 57 नंबर पर मेंशन हुआ था लेकिन 54 नंबर के बाद सुनवाई नहीं हो सकी, और आज इस पर सुनवाई हो सकती है। और देखिए, यहाँ पर ये जो मामला था जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा था कि राजस्थान में बीएड जो होंगे वो प्राइमरी के लिए वैलिड नहीं होंगे, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो सुनवाई होनी है वो 19 जुलाई को होगी। तो 19 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है, और इस बीच उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती प्राइमरी स्तर पर आना मुश्किल लग रहा है, और वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टेट 2021 से की जो प्रमाण पत्र हैं उस पर रोक लगा दी है, और ये कहा है कि बीएड के लिए ये सर्टिफिकेट जारी न किए जाएं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जो कोर्ट में कोर्ट नंबर 32 में 57 नंबर पर केस कल लगा था, तो सबसे पहले तो सरकारी जो वकील थे वो नहीं आ पाए, और इसके बाद इसे रिवाइज केस में रखा गया, रिवाइज केस में बाद में नंबर नहीं आया, तो आज इसे सप्लीमेंट्री फ्रेश में इसे सुना जाएगा। तो सरकार के वकील के भरोसे देखिए, जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको भी अपनी लड़ाई को स्वयं थामना होगा, और एक बड़ा वकील बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं बहुत अधिक निश्चिंतता ये अच्छी नहीं होती है बीएड वालों के लिए। देखिए, मैं अपने मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बीएड का पक्ष लेता हूँ या फिर मैं बीटीसी का पक्ष लेता हूँ, मैं बस आपको यहाँ पर एज इट इज़ जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, इस पर आज नेक्स्ट हियरिंग हो सकती है,
जो कुछ भी हियरिंग में होगा उसके बारे में अपडेट मैं आपको शाम तक उपलब्ध करवा दूंगा। और यहाँ पर यही कहूँगा कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी पैरवी जोरदार तरीके से करें, क्योंकि यही उनके लिए बेहतर होगा। और जो कुछ भी है, कोर्ट के सामने अगर राजस्थान का मॉडल है तो दिल्ली का भी मॉडल है, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी जो प्राइमरी में बीएड इन है तो वो उदाहरण भी रखे जा सकते हैं। राजस्थान में बाहर किया गया तो अलग अलग स्टेट में जो अलग अलग स्थिति है उस पर भी विचार करना होगा, एनसीटी को भी सुनना होगा, सरकार को भी सुनना होगा, याजों को भी सुनना होगा। तो ये मामला जो है वो इतनी जल्दी निस्तारित होने वाला नहीं है। और इसी बीच एक बड़ी विडंबना ये है कि आने वाली जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी डिले होता प्रतीत हो रहा है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं और अगर चीज़ें सकारात्मक नहीं, सब चीज़ें बदल जाती हैं, तो फिर ये आपके सामने बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती भी आ सकती है। देखना ये होगा कि कोर्ट में क्या चलता है और कब तक कोर्ट के द्वारा इसका डिसीजन आता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ें तो ये कल का जो केस स्टेटस है इसे आप देख रहे हैं। फिलहाल आज जो सुनवाई होगी उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी यानी कि NTPC के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 के सेकेंड राउंड की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 12 जून से स्टार्ट होंगी और इस चरण में NTPC लेवल 2, 3 और 5 के अभ्यर्थी शामिल होंगे। RRB प्रयागराज ने परीक्षा करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व की भांति ये परीक्षा प्रयागराज के साथ कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, देहरादून और रुड़की में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो RRB की ओर से पे लेवल 4 और 6 के लिए CBT 2 का आयोजन 9 और 10 मई को किया जा चुका है। अब पे लेवल 2, 3 और 5 के लिए शॉर्टलिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। 12 जून को होने वाली परीक्षा के लिए रेलवे बोर्ड जल्द ही अभ्यर्थियों की संख्या और परीक्षा शेड्यूल को जारी कर देगा। तो RRB प्रयागराज के चेयरमैन RS जमाली के अनुसार लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि के 658 पद हैं। लेवल 3 में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क आदि के 269 और लेवल 5 में गुड्स गार्ड सीनियर कॉमर्शियल कर्म क्लर्क आदि के कुल 2587 पद हैं। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा की है। तो ये जानकारी है आपके लिए RRB NTPC से संबंधित। और प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में BEd मान्य होने के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पूर्व में इसे BTC कहा जाता था, इसका क्रेज काफ़ी कम हो रहा है। स्थिति यह है कि प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों पर ताले पड़ने लगे हैं। ऐसे समय में जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय डीएलएड 2022 सत्र के प्रवेश की तैयारी में लगा हुआ है, तो पश्चिमी यूपी के 7 निजी डीएलएड कॉलेजों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया। इन कॉलेजों को पिछले सत्र में एक भी छात्र नहीं मिला था, तो अब जो निजी डीएलएड कॉलेज हैं वो खुद ही एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं। कभी नौकरी की गारंटी माने जा रहे डीएलएड के 2021 सत्र में प्रदेश के 106 प्राइवेट कॉलेजों को एक भी छात्र नहीं मिला। सैकड़ों कॉलेज ऐसे थे जिसमें बमुश्किल एक दर्जन छात्र मिले थे। 2020 का सत्र शून्य होने के कारण प्रवेश नहीं हुआ और 2021 में डीएलएड की 218,300 सीटों में से केवल 96,134 सीटें भरी जा सकी थी। और ये भी आप जानते हैं कि कई बार इसके लिए डेट को भी एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड में प्रवेश लेने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। तो अब ऐसे जो निजी कॉलेज हैं उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो गया है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो RRB NTPC से लेवल 2, 3 और 5 की परीक्षा जो कि 12 से होने वाली है, इसमें 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा देंगे, तो परीक्षार्थियों की संख्या जो है ये काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और क्रेड के बारे में बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 के तहत PhD प्रवेश के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेड का आयोजन 29 मई को होगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र इसी सप्ताह जारी होंगे और प्रवेश पत्र 21 या 22 मई को जारी होने की संभावना है। तकरीबन 5,000 अभ्यर्थियों ने PhD में प्रवेश के लिए दावेदारी की है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खबरी चैनल यूज करते हैं, खबरी नामक एक जो ऐप है जो कि एक ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, तो आप चलते फिरते भी किसी का भी लेक्चर वहाँ पर सुन सकते हैं। तो अगर आप खबरी यूज करते हैं तो आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। मई माह का संपूर्ण करंट अफेयर वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है।
लेकिन ये पार्ट वाइज होगा, यानी कि अब तक का जो करंट है वो आपको मिल जाएगा, इसके बाद आने वाले दिनों के जो करंट अफेयर हैं वो भी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। लेखपाल भर्ती से संबंधित जो अलग अलग मटेरियल्स हैं वो भी वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं। सामान्य ज्ञान, इतिहास आदि जो आपकी स्टडी में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हमारे खबरी चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन फ्रेंड्स बस इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी तथ्य मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, जो भी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर और संबंधित पर्सन से जो खबरें निकल के आती हैं, मैं वही खबरें आपके सामने रखता हूँ, और इसके बाद जो कुछ भी डिसीजन होता है ये आपका होता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।